हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारे के सारे बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगी जो एक ट्रांजिशन वीडियो के पीछे होते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पर देखते हैं 40 सेकेंड्स की, 30 सेकेंड्स की, 20 सेकेंड्स की वीडियोज़ जिसके अंदर ऐसे फट से कपड़े चेंज होते हैं और ट्रांजिशन हो जाती है, फुल बंदा जीरो से हीरो बन जाता है। तो उस ट्रांजिशन वीडियो के पीछे कितनी मेहनत और कितना टाइम होता है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। वैसे मैंने ऐसे रैंडमली बैठे बैठे सोचा कि चलो ट्रांजिशन वीडियो बनाते हैं, फिर ऐसे ही बैठ के मैंने रैंडमली सोचा कि चलो हम लोग ना बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पर डाल देंगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं। और मैं ना आज जो वीडियो है पहले मैं इसके साथ रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन आज मैं अपने दूसरे फ़ोन के साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वाले कैमरे का, ये जिसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसका रिजल्ट कैसा है। क्लियर है आपको? सही से वीडियो नज़र आ रही है? ऑडियो सही से आ रही है? क्वालिटी का इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस वाले फ़ोन की ना ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस वाले फ़ोन की वीडियो क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, लेकिन ऑडियो का मुझे आइडिया नहीं है कि आपको सही से सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। एडिटिंग में देखेंगे, अगर तो गुजारे लायक हुई मैं डाल दूंगी। ट्रांजिशन वीडियो में सबसे पहली चीज़ होती है जी साउंड सेलेक्ट करना। पहले मैं बैठ के साउंड सेलेक्ट करूंगी। काफ़ी सारे मैंने ब्लॉगर्स और टिकटॉकर्स की जो वीडियोज़ है ना वो सेव की हुई हैं, जिनकी साउंड मुझे अच्छी लगती है वो मैं सेव कर लेती हूँ साउंड सेव करने के लिए। तो हम लोग पहले तो साउंड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमने कैसा मेकअप करना है, और उसके बाद हम लोग ड्रेस निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग ज्वेलरी निकालेंगे, और उसके बाद मैं आपको सारा प्रॉपर सारा कुछ दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर, सारा कुछ सारा कुछ सारा कुछ। और मुझे नहीं पता कि मैं आपको, मैं ना रिकॉर्ड करते हुए पूरे कमरे में घूम रही हूँ और आप लोगों को भी चक्कर आ रहे होंगे। अब ना हम लोग साउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इंस्टाग्राम में जाऊँगी और जाके जहाँ पे मैंने वीडियो सेव की, मोबाइल में मैंने सेव नहीं की हुई, वो इंस्टाग्राम पे आता ना सेव का ऑप्शन, वहाँ पे मैंने सेव की हुई है। ये आ गया जी इंस्टाग्राम, और ओहो ये यहाँ पे मैंने सेव की होती है। ओहो यहाँ काफ़ी सारी साउंड्स हैं काफ़ी सारे लोगों की, तो बस इन्हीं में से ना कोई हमने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं ना सेलेक्ट करके आती हूँ। साउंड सेलेक्ट करके ये यहाँ पे सेव कर लिया। मैं साउंड आपको नहीं सुना सकती क्योंकि यूट्यूब ने, इंस्टाग्राम कहने लगी थी, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे फ़ौरन से कॉपीराइट भेज देना है। तो पूरी वीडियो के लिए ना आपको इंस्टाग्राम पे जाके म्यूज़िक के साथ अगर आपने देखनी है तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा। मैं आपको वैसे बता देती हूँ गाना है ये कौन सा है। हाँ, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट दिते सारे मेरे टाउन दे, ये वाला गाना मैं बहुत बुरा गाती हूँ मुझे पता है। तो अब हम लोग पहला वाला पार्ट रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजिशन से पहले वाला, जिसमें हम जीरो लगेंगे और उसके बाद हम मेकअप करेंगे और बड़ा अच्छा अच्छा तैयार होंगे और उसके बाद हम हीरो लगेंगे और चलते हैं जी। और पहला वाला पार्ट रिकॉर्ड करते हैं। मैं जो अपना फ़ोन है ना, ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है स्टैंड, इस पर लगाऊंगी। अभी आप देख दिखाती हूँ। देख लें जी, पहला पार्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ये आ गया हमारा पहला पार्ट। ये यहाँ पे जाके आएगी ट्रांजिशन, यहाँ पे ठीक हो गया। अब इसके बाद वाला पार्ट हम मेकअप करके फुल फिर रिकॉर्ड करते हैं। आप अगर ट्रांजिशन वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना तो ओरिजिनल कैमरे में हमेशा बनाया करें, क्योंकि जब आप इसको एडिट करेंगे ना तो थोड़ी बहुत इसकी क्वालिटी कम हो जाती है। अगर आप किसी फिल्टर में या किसी एडिटर वगैरह में बनाते हैं ना तो फिर काम ख़राब है जी। अब हम ना जल्दी से मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि मैं लाइट्स ऑन कर लेती हूँ। ये कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है तो मैं आपको कुछ इतना ख़ास डिटेल में बताने वाली नहीं हूँ। सबसे पहले तो बालों को मैं इस तरह से हेयर बैंड लगा लूँगी। अभी आपको मेरी लिपस्टिक काफ़ी डार्क लग रही होगी, अजीब चुड़ैल नुमा मैं लग रही हूँ, लेकिन जब मैं पूरा आउटफिट वगैरह ज्वेलरी वगैरह पहनूंगी ना तो देखिएगा सब सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा,
और अगर नहीं अच्छी लगी तो एंड पे हम लोग जो लिपस्टिक है उसके अंदर थोड़ा सा ना रेड ऐड कर देंगे ताकि कलर रेड की तरफ चला जाए। वैसे सही लग रहा है, क्या ख्याल है? बाल खोल के अच्छा लग रहा है, बाल खोल के अच्छा लग रहा है, बाल खोल के सही लग रहा है। अभी चलते हैं और देखते हैं कि हमने ज्वेलरी और आउटफिट, आउटफिट तो नहीं सिर्फ इतना इतना सा नज़र आना है, तो नीचे शायद जीन्स या कोई ट्राउज़र वगैरह ना ही चेंज करना पड़े, ये वाला ट्राउज़र पहन के रखूँगी, सिर्फ ऊपर से ये वाला टॉप चेंज कर लेंगे, ज्वेलरी पहन लेंगे और बस देखते हैं। इसके साथ ना हम वेस्टर्न बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा इस सॉन्ग पे, तो हम इसके साथ फुल ट्रेडिशनल वाला लुक करेंगे। ब्लैक कलर का कुर्ता पहनूंगी, ज़्यादा सारी जो सिल्वर ज्वेलरी है वो पहनूंगी, और अभी देखते हैं ब्लैक कलर का कोई भी बेसिक सा कुर्ता निकालते हैं फिर ज्वेलरी निकालते हैं। मैंने ना पूरी कबर छान मारी है और मुझे प्लेन ब्लैक कलर का कोई कुर्ता नहीं मिला, ये वाला मिला है, इसके ऊपर भी ये सारा शीशे का काम है, तो इसको हम मल्टी साइड से पहन लेंगे। प्लेन ब्लैक कुर्ते हैं लेकिन हर किसी पे सामने कोई एम्ब्रॉयडरी है, किसी का गला इस तरह से बिल्कुल बंद बहन वाला है, तो हमने ज्वेलरी पहनी है, हमें इस तरह से ना बिल्कुल प्लेन वाला कुर्ता चाहिए, तो हम इसके साथ जुगाड़ लगाएंगे। पीछे से वैसे भी नजर नहीं आना, सिर्फ फ्रंट साइड से नजर आना है, तो इसके साथ काम चल जाएगा। ज्वेलरी की तरफ चलते हैं, ये यहाँ पे मेरे पास काफी सारी सिल्वर ज्वेलरी पड़ी हुई है, यहाँ से कुछ हैवी सा निकालते हैं। ढूंढ के ना मैंने ये वाली ज्वेलरी निकाली है, ये वाला गले का आ गया, और इसको ना मैच करने के लिए इसी तरह के मैंने इयररिंग्स निकाल लिए हैं, ये भी इस तरह से राउंड शेप में है, ये भी राउंड शेप में है, तो अच्छे लगेंगे पहने हुए दोनों एक साथ। और ये आ गई जी हमारी शर्ट, अब मैं ना चेंज करके आती हूँ। ड्रेस चेंज हो गया, अब मैं ज्वेलरी पहन लूँगी, इसको मुझे खोलना नहीं आ रहा, इसको कैसे खोलते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा, नहीं बहुत बड़ा सर है मेरा, बहुत बड़ा मुंह है, खुल गया। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे जो आप इतनी ग्लैमरस किस्म की वीडियोस देख रहे होते हैं ना, एक्चुअल में उन सब के पीछे ये सब होता है। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग जुगाड़ लगाते होंगे, लगाने पड़ते हैं। अभी देखें टाइम आने पे ना आपकी वार्डरोब जितनी मर्जी बड़ी हो, टाइम आने पे आपको जो चीज़ चाहिए होती है ना वो कभी भी नहीं मिलती, कभी भी नहीं। मुझे जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है ना, हालांकि हज़ार सूट पड़े हैं मेरी अलमारी में, लेकिन बस टाइम आने पे कुछ भी नहीं मिलेगा। हाय मेरे कान का ना ये वाला सुराख बंद हो जाता है, और इसमें इयररिंग्स डालना बड़े कोई मुश्किल काम है। हमारा मेकअप और आउटफिट हो गया जी डन, लशन कम लग रहा है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि हाथ में भी ना कुछ पहनना चाहिए, कि यहाँ पे ले लिया, ये पहन लेते हैं। और एक और चीज मैं सोच रही थी कि यहाँ पे ना तीन डॉट्स लगा लेती हूँ, ये ना मेरा मेकअप ही खराब हो जाए। तीन डॉट्स किससे लगाएं यार, इससे लगा लेते हैं, ब्लैक कलर का मेरे पास पड़ा हुआ है। ये ना मेरे पास मेबिलिन का टैटू लाइनर पड़ा हुआ है, इससे हम यहाँ पे तीन डॉट्स लगाते हैं, थोड़ा नीचे लगेंगे, यहाँ लगेंगे, यहाँ लो हाथ में रह, ऐसे ऐसे पता नहीं क्यों कर रहा है। ज्यादा ही मोटा लग गया है, अच्छा लग रहा है। खुद ही चेक करें मैं अपनी तारीफें कैसे कर रही हूँ। अच्छा जी, अब ना ये वाला फोन मैं जरा दूर करके रखती हूँ, ये वाला फोन स्टैंड पे लगाती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ पीछे की चबली पीछे की चबलियाँ। अच्छा इसको यहाँ रख देते हैं, ओहो इसको यहाँ नहीं रख सकते, इसको किसी और स्टैंड पे लगाना पड़ेगा। कंफ्यूज आ गया है मेरा दिमाग। तुम आ जाओ भाई, तुम आ जाओ।
तुम यहाँ आ जाओ और तुम्हें हम यहाँ रख देते हैं। मैं कसम से 2.5-3 घंटे से लगी हुई हूँ इसके पीछे। आई लव वैसे नॉर्मली इतनी देर नहीं लगती, लेकिन ये जो मैं पीछे के बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, इसकी वजह से ज़्यादा देर लग रही है। वरना तो पहले की रिकॉर्ड करो, उसके बाद तैयार हो और जो बाकी का पार्ट है लास्ट वाला वो रिकॉर्ड कर लो, वो आसान है। इस तरह से डबल डबल रिकॉर्ड करना ना दिमाग की लस्सी हो गई है स्टैंड चेंज कर करके मेरी। दिख ही नहीं रहा। साइड को भर देते हैं, इधर करके बनानी है। दस दफा मैंने इसको ठीक किया, 10 दफा। रीटेक यहाँ पे 10 रीटेक लेंगे हम। मुझसे नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने फ़ोन रख के घंटा लगा के क्लिप्स बना ली हैं। ये वाली 2 स्लोमो में है, ये वाली एक सिंपल है। इसमें से काफ़ी सारी क्लिप्स निकल आनी है, बहुत है। तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो होती है ख़त्म। वैसे मैंने सोचा था कि इस वीडियो के अंदर मैं किस तरह से वीडियो को एडिट करती हूँ, कौन सा वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ, किस तरह से स्मूथ ट्रांजिशन बनाती हूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे ऐड करती हूँ, इफेक्ट्स जो आप काफ़ी सारे वीडियोज़ के अंदर लगे हुए देखते हैं वो मैं किस तरह से डालती हूँ। लेकिन अगर मैंने वो सब कुछ इसके अंदर ऐड किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो भी बता दूंगी। कमेंट्स में मुझे बता दें अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं बना दूंगी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से नीचे जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइज सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय। एक चीज़ मैं आपको कहना भूल गई थी, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आपने पूरी वीडियो देखनी है तो यहाँ कहीं आपको मेरा जो यूज़र नेम है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। म्यूज़िक के साथ वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। म्यूज़िक के साथ मैं यहाँ पे वीडियो नहीं डाल सकती क्योंकि यूट्यूब के मसले मसाइल हो जाते हैं। फिर अल्लाह हाफिज़।